दर्द गम अष्टपदा सब मिलेंगे राह में, रहा पर भड़ा चल ना रहा से तकरार कर। ऊंच नीच जात पात, ऊंच नीच जात पात, कोई अमीर कोई गरीब, रब सभी में बस रहा, तू सभी से प्यार कर। इन सभी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। इंडिया टीवी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित आज के सर इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य कैंप कार्यक्रम में आईटीबी के फाउंडर एंड प्रमोटर श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आईएमए के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी, सुश्री ऐश्वर्या पंडित जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, आईटीबी फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आईएमए गोरखपुर के सभी पदाधिकारी और उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी और उपस्थित नागरिक बंधुओं, मैं आईटीबी फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज ये विशेष स्वास्थ्य कैंप का आयोजन गोरखपुर में किया है। अभी कुछ बच्चों को यहां पर कुछ किट भी वितरित किए गए हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग दूसरों की आलोचना तो करते हैं, लेकिन किसी एक अभियान को हम केवल सरकार की या एक संगठन की एक संस्था की अभियान मान करके उसको सीमित कर देते हैं। दिमागी बुखार इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में सन 1977-78 से अपनी कहर बरपा रहा है। 1977-78 में जब पहली बार दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया था, तो उस समय किसी को भी पता नहीं था कि यह बीमारी है क्या। नौ की बीमारी के रूप में लोगों ने उस समय यहां पर सैकड़ों बच्चों की मौत को अपनी आंखों से देखा है। और 1977-78 से जो ये सिलसिला प्रारंभ हुआ, शासन प्रशासन के स्तर पर कभी भी इसे गंभीरता से लेने का कार्य नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि भारत में 1977-78 में बीमारी आई हो, इस देश के अंदर ये बीमारी 1956 में पहली बार तमिलनाडु में देखने को मिली थी। तमिलनाडु से उड़ीसा वेस्ट बंगाल होते हुए यह असम भी गई और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और आसपास के जनपदों में भी फैली। 1998 में जब गोरखपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाकर के भेजा, तो एक बार हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में नौ की बीमारी से बहुत सारे बच्चे भर्ती हैं, उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं बियाड़ी मेडिकल कॉलेज गया था। मैंने देखा कि एक ही बेड में चार चार बच्चे लिटाए गए हैं, वार्ड में पंखे नहीं थे। यही महीना था, जुलाई के अंत का समय था, बड़ी बदबू थी वार्ड में भी, और वार्ड के टॉयलेट की तरफ जब मैं गया तो उसमें आधा आधा फीट पानी भरा हुआ था। तो मैं वहां से
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से मुलाकात करने के लिए गया तो प्रधानाचार्य को मेरी उपस्थिति बड़ी बुरी लगी, लेकिन उस सबके बावजूद जब मैंने उनसे कहा कि भाई बड़ी दुर्व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ साधन चाहिए। हमने कहा भाई सफाई तो आप कर ही सकते हैं, इतनी बदबू है वार्ड में, इंसेफ्लाइटिस के मासूम बच्चे भर्ती हैं, एक एक बेड में चार चार बच्चे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, न दवा की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न वहां पर शौचालय ही साफ हैं। तो खैर उन्होंने मुझे एक सोची थी, उन्होंने कहा कि ये सामान अगर हमें मिल जाएंगे तो हम लोग कुछ कार्य कर पाएंगे। उसमें उन्होंने 100 बेड की व्यवस्था मांगी थी, एसी मांगे थे, बेडशीट मांगे थे और भी तमाम सामान मांगे थे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने प्रदेश सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया, तत्काल बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मैं गोरखपुर के अपने व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा और एक सप्ताह के अंदर ही 100 बेडशीट, एसी और अन्य सामग्री लेकर के मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचा। मैंने वहां के प्रधानाचार्य से कहा कि भाई ये सामान आप लीजिए, अब इन बच्चों को कम से कम व्यवस्था दे दीजिए ठीक ढंग से। और उसके बाद तब तक मेरी राज्य सरकार से बातचीत हो गई थी, राज्य सरकार ने तब से व्यवस्था की कि इंसेफ्लाइटिस के मरीज को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हम लोग देंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार निःशुल्क प्रारंभ हुआ, प्रदेश सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई, उपचार की व्यवस्था भी आगे बढ़ी। जब मैं संसद में इस मुद्दे को रखना चाहता था तो मुझे रोका गया पहले, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी और मुझसे कहा गया कि ये तो राज्य का विषय है, राज्य को रखना है, आप राज्य सरकार से बातचीत करिए। हमने कहा इंसेफ्लाइटिस एक राज्य का विषय नहीं हो सकता है, ये बीमारी के बारे में जब मैंने पढ़ा है, देखा है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, असम में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, इसको एक राज्य का विषय कैसे माना जा सकता है। काफी नोकझोंक के बाद अंततः मुझे कहा गया कि केवल 2 मिनट का समय मिलेगा। मैंने कहा समय 2 मिनट भी बहुत है, एक बार अवसर मिले तो फिर हम लोग अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। और भाइयों बहनों, पहली बार संसद में मुझे केवल 2 मिनट का समय मिला था इंसेफ्लाइटिस पर बोलने के लिए, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे साथ साथ वहां पर लगभग 12 से 15 सांसद खड़े हुए कि साहब ये बीमारी तो हमारे यहां भी है, इसके उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और फिर हम लोगों ने तब से जो अभियान प्रारंभ किया, उस अभियान का परिणाम है कि आज इंसेफ्लाइटिस को हम 5% से नीचे ला करके इस बीमारी को उन्मूलन की दिशा में लेकर के आए हैं। लेकिन इसका एक नया वायरस आया है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। आप सब जानते हैं जब जापानी इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने इसके उपचार की व्यवस्था प्रारंभ कराई, इसके लिए वैक्सीन की बात शुरू हुई, तो भारत के अंदर जो तकनीक थी वो माउस कल्चर की थी। मात्र 3 से 4 लाख वैक्सीन भारत के अंदर बनते थे। जब मैंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री से इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा आपको 1 लाख वैक्सीन हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए दे देते हैं, आप अपने संसदीय क्षेत्र में जहां लगाना चाहते हैं लगवा लें। मैंने कहा 1 लाख वैक्सीन तो हमारे लिए वैसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति। 1 लाख वैक्सीन से नहीं काम चलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी है, जो क्षेत्र से प्रभावित है वहां की आबादी है 3 करोड़। अगर मैं 1 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों की संख्या को जोड़ूंगा तो ये बनती है 1 करोड़। मुझे कम से कम एक बच्चे को अगर 2 वैक्सीन देने होंगे तो कम से कम 2 करोड़ वैक्सीन मुझे चाहिए। सरकार ने कहा हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारे पास बनते ही केवल 4 लाख वैक्सीन है, हम कहां से इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन ला देंगे। हमने कहा भी दुनिया के अंदर देखा जाना चाहिए, इसमें कोरिया ने शोध किया है, जापान ने शोध किया है, इस पर
चीन ने शोध किया है, हम उनके शोध को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते और माउस कल्चर से हम इसको आगे ले जाकर के क्यों नहीं किसी अन्य ऐसे उस पर लेकर के जाते हैं जहां बृहद स्तर पर हम इसके माध्यम से इस बीमारी का उपचार कर सकें। और हमारी मुहिम रंग लाई जब भारत सरकार ने एक साथ पहली बार इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मेरे कहने पर 2005 में 2003 में ऑर्डर गए, 2005 में वैक्सीन यहां लगना प्रारंभ हुआ और 1 करोड़ वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मिले और हम लोगों ने 2005 में पहली बार यहां पर इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ किया। लगातार यह अभियान चला लेकिन इसमें लापरवाही भी समय समय पर बरती जाती रही। एक मैं आज ही इस बात को कह सकता हूं, इंसेफ्लाइटिस में चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो चाहे वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम हो, केवल हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं या मीडिया ग्रुप है, यह स्वच्छता के प्रति और शुद्ध पेयजल के प्रति अभियान चला लें और सभी लोग केवल अभियान ही नहीं बल्कि बढ़ चढ़ करके भागीदार बनके आम जन को इसके प्रति जागरूक कर लें तो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का 90% समाधान स्वतः हो जाएगा। इंसेफ्लाइटिस बीमारी चाहे वह जेई हो चाहे एईएस हो ये रहेगी ही नहीं। और जो मात्र 10% बचेगी उसके लिए समय पर उपचार, हम लोगों ने इसके पूरी व्यवस्था की। आपने देखा होगा विगत वर्ष भी हम लोगों ने अभियान चलाया था, इस वर्ष हम लोग फरवरी माह से इस अभियान को चला रहे हैं। अप्रैल में 2 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के जिन 38 जिलों को इंसेफ्लाइटिस विधि से संवेदनशील माना है उन 38 जिलों में हम लोगों ने वैक्सीनेशन का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस दौरान 34 लाख बच्चों को हम लोगों ने वैक्सीन दिए हैं इंसेफ्लाइटिस के। 34 लाख बच्चों को इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन के साथ साथ एक बड़ा कार्यक्रम पूरे अभियान का चलाया गया। मैं अभी देख रहा था, मैंने किट खोल करके इसलिए दिया, देखा है कि किट में क्या क्या दे रहे हैं कार्तिकेय जी, आईपीबी फाउंडेशन क्या दे रहा है किट में, और मैंने देखा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने वहां पर साफ सफाई से जुड़े हुए ही उपकरण उसमें रखे हैं, खासतौर पर जैसे हैंड वॉश करने के लिए हैंड वॉश उसमें मौजूद है, ऐसे ही स्वच्छता के प्रति जिसके माध्यम से लोगों में साफ सफाई से जुड़े हुए ही उपकरण उसमें रखे हैं, खासतौर पर जैसे हैंड वॉश करने के लिए हैंड वॉश उसमें मौजूद है, ऐसे ही स्वच्छता के प्रति जिसके माध्यम से लोगों में एक जागरूकता पैदा हो सके उस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण आवश्यक साबुन उसमें है सब कुछ है। याद करिए विगत वर्ष हम लोगों ने मई महीने में इंसेफ्लाइटिस के लिए एक अभियान चलाया था और इंसेफ्लाइटिस के इस अभियान के लिए कुशीनगर के एक मुसहर बस्ती में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने साबुन वितरण करके दिखाया था तो कुछ लोगों ने दिखाने का प्रयास किया था कि दलितों का अपमान हो रहा है। यानी स्वच्छता के लिए अगर सरकार एक अभियान चलाती है तो कितनी नेगेटिव रूप से उस समाचार को प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ था और आज आईटीबी उसी कार्य को कर रही है जिसे विगत वर्ष सरकार कर रही थी। आप सोच सकते हैं ये जो आलोचनात्मक मानसिकता है जब तक यह नहीं दूर होगी तब तक सिर पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अगर किसी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो एक सकारात्मक रवैया हमारा होना ही होगा, हमें स्वयं सकारात्मक बनना पड़ेगा और सकारात्मक बनकर के फिर उस मुहिम की जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा, उस बीमारी की जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। हम लोगों ने इसी वर्ष इसीलिए 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान के माध्यम से पहले चरण में स्वच्छता का विशेष अभियान 38 जनपदों में प्रारंभ किया, 34 लाख से अधिक बच्चों को इंसेफ्लाइटिस के निःशुल्क वैक्सीन दिए क्योंकि वैक्सीन लगने के साथ
यद्यपि वैक्सीन लगने का सबसे अच्छा समय है फरवरी महीने का, क्योंकि फरवरी माह में जब आप वैक्सीन लगाएंगे जापानी इंसेफ्लाइटिस का, तो एक्टिवेट होने में 3 से 4 महीने का जो समय लगेगा वह इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, क्योंकि वह उस व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की रेजिस्टेंस पावर पैदा करेगा जो इंसेफ्लाइटिस के वायरस को मार सके या उसको रोक सके। और उस दृष्टि से इसके लिए यह कार्रवाई होनी आवश्यक है। इसके वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन का मेंटेन होना वह भी महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार लापरवाही के कारण ध्यान नहीं दिया जाता है। वैक्सीन लगाते समय उसका ध्यान रखना यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा, स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग 2 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक फिर से इस अभियान को एक बार पुनः प्रदेश सरकार ने उन सभी 38 जनपदों में लेने का कार्य प्रारंभ किया है, जिन 38 जनपदों में ये किसी न किसी रूप में इंसेफ्लाइटिस मौजूद है। वैक्सीन से आप जापानी इंसेफ्लाइटिस को रोकथाम तो कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के लिए आवश्यक है कि उसके लिए हम स्वच्छता के प्रति और शुद्ध पेयजल के प्रति लोगों को जागरूक करें। स्वच्छ पेयजल और वहां पर स्वच्छता का एक विशेष अभियान, हर घर में व्यक्तिगत शौचालय हो, खुले में शौच को रोका जाए, यह एक बड़ी मुहिम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आज पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने की ओर अग्रसर है, और हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी बीमारियां हैं खुले में शौच भी इसका एक कारण है। दूसरा, गांव में सफाई या शहर में सफाई, आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई मांगलिक आयोजन होता है, किसी भी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई भी आयोजन घर में होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के कप गिलास या फिर इस प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करने के बाद फिर घर से बाहर फेंकते हैं, और फिर सफाई करते करते बगल अपने घर के पास जो नाला होता है या नाली होती है उसमें गिरा देते हैं, पूरा नाला ब्लॉक हो जाता है, पानी ओवरफ्लो करेगा तो आसपास कहीं बहेगा। स्वाभाविक रूप से हम लोगों को अपने यहां मांगलिक कार्य के लिए मांगलिक कार्यक्रम में बनाते हैं, अपने मंगल कामना उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से चाहते हैं, लेकिन अपने कृत्यों से दूसरों के अमंगल का कार्य भी हम कर देते हैं। आखिर अमंगल ही है जब हम लोग अपने घर में होने वाले किसी कार्यक्रम में प्लास्टिक के कप गिलास या जो भी पॉलिथीन होता है, सब्जी के छिलके होते हैं, अन्य जितना भी बचा हुआ भोजन होता है सबको बगल की नाली में गिरा देते हैं, और नाली चौक हो जाती है, उसके बाद पानी ओवरफ्लो करता है, गंदा पानी ओवरफ्लो करता है, आसपास के पूरे मोहल्ले में गंदगी फैलती है, लोगों को परेशानी होती है। इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि सरकार पॉलीथीन पर रोक लगाए, प्लास्टिक के कप गिलास या उसकी प्लेट को रोकें, मुझे लगता है हमें स्वयं इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, और करेंगे उसका उचित निस्तारण भी करेंगे, जहां तहां नहीं कराएंगे, नालियों में नहीं कराएंगे, सड़कों पे नहीं फेंकेंगे। एक आंधी चलती आप देखते होंगे प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक का पॉलीथीन उड़ता हुआ हवा में दिखाई देता है, कितनी खराब स्थिति बनती है। अगर कुछ लोग सफाई करते भी हैं तो कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक तो इतना सेकुलर तो नहीं ही है कि वह जिसने फेंका उसी के घर में रहेगा, वो तो सड़क में जहां गिरा उसके बाद जहां हवा का रुख चला और जहां तक हवा उसको उड़ा के लेके जाएगी वहीं तक पहुंच जाएगा। और ये स्थिति हम सबको अक्सर देखने को मिलती है, हम सब इसके बारे में जागरूक हों। यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस को रोकना है तो स्वच्छता तब भी आवश्यक है, और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस को रोकना है तो
स्वच्छता के साथ साथ शुद्ध पेयजल उसके लिए भी आवश्यक है। हम सब इसके बारे में जागरूक हों, इसके बारे में बताएं, लोगों को बताएं। ये कार्रवाई तो सावधानी की है जिसमें हम जागरूकता के माध्यम से आम जनता को इसके प्रति पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। सावधान और बीमारी के पहले रोकथाम की दिशा में एक अभिनव प्रयास कर सकते हैं और मुझे लगता है बिना कुछ अतिरिक्त प्रयास के हर व्यक्ति केवल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर ले तो हम इसके माध्यम से एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। और दूसरा जो सरकार के स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा का है, इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है प्रदेश के अंदर 20 जिलों में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में छोटे बच्चों का यानी पीडियाट्रिक्स का एक आईसीयू स्थापित करने का, जिससे हर जिले में उपचार लोगों को मिल सके। हर जिला चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था होगी, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की व्यवस्था होगी। हम लोगों ने अप्रैल महीने के बाद से ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और लखनऊ में केजीएमयू में जो डॉक्टर इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्रों में खासतौर पर बाल रोग विशेषज्ञ पैरामेडिकल का जो स्टाफ और नर्सिंग का जो स्टाफ होगा उसकी विशेष ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 63,000 से अधिक लोगों को अब तक इसमें ट्रेनिंग दी जा चुकी है गोरखपुर में भी और केजीएमयू लखनऊ में भी, जिसके माध्यम से उनकी जागरूकता के माध्यम से हम लोग इस बीमारी के अगर कोई बीमार होता है तो उसको उपचार भी मिल सके। क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ी बात यही है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस में या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस में अगर बीमारी हो गई तो तत्काल उपचार हो जाएगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा, और अगर समय पर उपचार नहीं होगा, उपचार देर में मिला तो शारीरिक या मानसिक विकलांगता का शिकार वह बच्चा हो जाएगा। समय पर उपचार हो, आपने देखा होगा एक बालिका आई थी यहां पर, बीमारी के बाद समय पर उपचार नहीं मिला होगा, आज भी वो बोल नहीं पाती है। बीमारी के पहले बोलती थी लेकिन आज अभी बोल नहीं पा रही है। उसको स्पीच थेरेपी के एक अभियान के साथ जोड़ना चाहिए। गोरखपुर में एक दो सेंटर है, वहां जाएं देखें। यद्यपि हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी एक सीआरसी कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसमें इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित उन बच्चों के पुनर्वास के लिए अगर कोई उस बीमारी की चपेट में आ ही गया तो जीवन भर शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता का शिकार न रहे बल्कि उसको समय पर उपचार की सुविधा के साथ साथ पुनर्वास की व्यवस्था हो सके, इसके लिए भी हम लोग एक नया सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खोलने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने उपचार के लिए हर जनपद स्तर में हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हर जिला चिकित्सालय को इसके लिए तैयार किया है। हम लोगों ने पीआईसीयू यानी पीडियाट्रिक्स का जो आईसीयू होना है, छोटे बच्चों के जो आईसीयू स्थापित होने हैं, लगभग हर जिला चिकित्सालय में हो गए हैं और हर जिले में एक प्रमुख जो ब्लॉक विकासखंड ज्यादा प्रभावित था उन विकासखंडों में भी एक ऐसे पीआईसीयू की स्थापना हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इस वर्ष वह फंक्शन में आएगा, वह कार्य करेगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने वेंटिलेटर्स भी बढ़ाए हैं और बेड्स भी बढ़ाए हैं, जिससे कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लगातार इस पर कार्य हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहां पे कई ग्राम प्रधानगण भी हैं, नगर निकाय के चेयरमैन भी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, उनकी सावधानी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और सावधानी इस रूप में कि अगर बीमारी के कोई लक्षण किसी बच्चे में दिखते हैं वे तत्काल एम्बुलेंस बुलवा करके उन्हें नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था कराएं। आप वहां पहुंचा देंगे, उनको सारी सुविधा वहां पर निःशुल्क मिलेगी, उनकी जांच निःशुल्क होगी, उनको बेड निःशुल्क मिलेगा, उनको वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं, दवा निःशुल्क मिलेगा, सब कुछ उपचार की सारी सुविधा वहां पर होगी। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मात्रा में चिकित्सकों को भी इस दौरान ट्रेनिंग दी है, पैरामेडिकल के स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, नर्सिंग के स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और अगर
वहां जिला चिकित्सालय उस बीमारी के उपचार करने में कहीं अपने को समर्थ पा रहा है, तो फिर एम्बुलेंस से ही सुरक्षित उस बच्चे को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने की व्यवस्था करना है, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित पहुंचाना, आप टेम्पो से चलेंगे, टैक्सी से चलेंगे, वह उस बच्चे के जीवन के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वह एक समय होता है जिस दौरान सही उपचार उस बच्चे को मिलना चाहिए। और मैं इस मामले में जितने भी हमारे मीडिया ग्रुप हैं उन सबका सहयोग चाहूंगा कि इसके बारे में व्यापक जागरूकता, जैसे इंसेफ्लाइटिस के बारे में अभी यहां पर आईटीवी ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना दिखाने का प्रयास किया, इसको इसी रूप में थोड़ा तेज करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है क्या करें क्या न करें, क्या सावधानी बरतनी चाहिए क्या नहीं बरतनी चाहिए। जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो मच्छर है इसके बारे में तो एक बात और कही जाती है, यह मच्छर केवल सायकाल काटता है या सुबह काटता है, सुबह के समय कब, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, दिन में भी नहीं काटता, रात्रि में भी नहीं काटता, घर के अंदर भी नहीं काटता, घर के बाहर काटता है। बच्चे फुल बाहों का जो अपने शर्ट हो फुल बाहों का पहने, पैंट पहने, और ये कुछ सावधानियां हैं जिसको हम लोग अपना सकते हैं, जिसके बारे में व्यापक जागरूकता पैदा कर सकते हैं, अपने गांव में मीटिंग करके, गांव गांव में एक मुहिम चला करके स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति सावधानी, इंसेफ्लाइटिस से बचाने के लिए क्या हो सकता है, इसके बारे में व्यापक जागरूकता हम इसके माध्यम से फैला सकते हैं। और मैं इसके बारे में अपील करूंगा, चाहे वह सोशल मीडिया, आज बहुत सशक्त हो चुका है, सोशल मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये सभी के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, शैक्षणिक संगठन है, ये सभी एक साथ अगर इसके साथ जुड़ जाएंगे, मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश से इंसेफ्लाइटिस का खात्मा हो जाएगा, निश्चित होगा, और उस अभियान को हमें आगे लेकर के बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आईटीबी फाउंडेशन के इस मुहिम के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने के इस मुहिम में अन्य संगठनों को, चाहे वह स्वयंसेवी संगठन हो, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हो, मीडिया ग्रुप हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले सुधीजन हो, वे सभी लोगों की का सहयोग इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आज एक बार पुनः फाउंडेशन को इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से संवाद भवन में, ये पूरा कार्यक्रम जहां पर उन्होंने इस हेल्थ कैंप का उद्घाटन किया है अगले तीन दिनों तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से संवाद भवन में, ये पूरा कार्यक्रम जहां पर उन्होंने इस हेल्थ कैंप का उद्घाटन किया है अगले तीन दिनों तक। ये हेल्थ कैंप चलेगा रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मुफ्त में इलाज 29 जून से, यानी आज से, आज कल और परसों सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये कैंप चलेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हम स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं 8700, इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन के लिए। दिमागी बुखार के खिलाफ इंडिया न्यूज की मुहिम और इस कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी, सभी प्रशासनिक अधिकारी, विश्वविद्यालय प्रशासन, ग्राम प्रधान, मेदांता हॉस्पिटल, डिटॉल और आईएमए का सहयोग मिला है। इस सहयोग के लिए आईटीबी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आगे भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम असल से जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन इससे पहले अपने संबोधन में उन्होंने आईटीबी फाउंडेशन की इस पहल का स्वागत किया है, धन्यवाद किया है, दिमागी बुखार के खिलाफ मुहिम के लिए शुक्रिया अदा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।
गोरखपुर में दिमागी बुखार के खिलाफ इंडिया न्यूज की मुहिम, आईटीबी फाउंडेशन की मुहिम, और आज अब से थोड़ी देर पहले उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दिमागी बुखार के लिए सबको साथ आने की अपील की है, वैक्सीन की व्यवस्था का इस बात का जिक्र किया और साथ ही कहा कि उनकी लगातार प्रयासों के चलते 2005 से वैक्सीनेशन की व्यवस्था जो है वो शुरू हुई थी। 34 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई है और क्या कुछ और करने की जरूरत है इस बात का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही आईटीबी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया है इस तरीके की मुहिम के लिए, इस मुहिम की शुरूआत के लिए, इस हेल्थ कैंप के लिए।